डी स्टूडेंट, आज हम करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस वर्कशीट। इसमें देखिए, अभी फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो। मैं क्वेश्चन नंबर एक है, हु से स्टार्ट हो रहा है, उसका आंसर है द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग स्पर, औरत है वो स्पर तैयार कर रही थी। इसमें देखिए, अभी इसमें वुमेन क्या है, अभी सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग क्या है, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, ये क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर प्रश्न बना है कौन से, जब हु से प्रश्न बन रहा हो तो आप किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा दो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, इसका क्या होगा, अभी क्वेश्चन वन बन जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अभी वुमेन है, इसको हटा दो और जो आगे बचा हुआ सेंटेंस है वॉज प्रिपेयरिंग सफर, ये लिख दो। और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या अभी अंत में दिया हुआ है, नहीं आप लगा दो, इसमें क्या है, अभी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन जो भोजन है सफर है वो तैयार कर रही थी, तो द वुमन आ जाएगा। इसी प्रकार दो नंबर सेंटेंस है हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कोई संख्या पूछी गई है, जो भी संख्या है इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 उसको हटा दो और हाउ मेनी क्वेश्चन बनेगा। इसमें लेंचो है वो करता है, नीडेड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, 100 पेसेस, ये पेसेस कोई मुद्रा का नाम है जैसे अपने रुपये होता है। अब यहाँ पर आपको 100 हटाना है, क्या हटाना है अभी 100, जो इसके बाद में रुपीज आ जाए, मनी आ जाए, पैसे आ जाए, जो भी यहाँ पर कोई मुद्रा है वो हाउ मेनी के साथ रहेगी, ये नाउन होती है, तो हाउ मेनी आप यहाँ पर ये पैसे पैसेस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या है, इसमें भी कोई यूज नहीं हुई, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे आप, डिड यूज करोगे, क्या यूज करोगे, डिड। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डूड का प्रयोग करते, सेकंड फॉर्म में तो आप डिड लगाओ, हाउ मेनी पेसेस डिड, अब सब्जेक्ट लगाओगे लेंचो, फिर क्या है अभी नीड, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म वर्ब आ गई, ये डिड आ गई है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नीड, याद रखना डू डज डिड के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हाउ मेनी पेसेस डिड लेंचो नीड, इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। हाउ मच आता है तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, वो मात्रा होती है, यहाँ पर संख्या है। अब यहाँ पर 100 आपका उत्तर होगा, वो हटा दो। अब तीन नंबर क्वेश्चन है हाउ से क्वेश्चन बना, हाउ का मतलब होता है कैसे, कोई तरीका पूछा है, कोई भी काम होने का करने का तरीका, तो तरीका है वही उत्तर होगा, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो संसार है उसका अंत किससे होगा, भी आग से होगा। तो इसमें प्रश्न क्या पूछोगे, भी संसार का अंत कैसे होगा, संसार का अंत कैसे होगा, तो आप यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इन फायर, इसको हटाना है। अब यहाँ पर देखो भी हाउ, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक वर्ल्ड करता है, विल हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है, इसमें यहाँ पर क्या है अभी विल हेल्पिंग वर्ब है, तो आ जाएगी हाउ विल करता क्या अभी द वर्ल्ड एंड, अब उत्तर होगा इन फायर, इन आई से इन फायर आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखिए आप, फोर नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेयर से क्वेश्चन बना है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसमें कोई वेयर का जो कुछ क्वेश्चन बनता है उसमें स्थान पूछा जाता है, क्या आप पूछते हैं अभी स्थान, इस वाक्य में जो भी स्थान का नाम आया वही आपका क्या होगा अभी आंसर होगा, उसको छोड़ना है। यंग सीगल वॉज ऑन हिज लेज, यंग सीगल था वह अब एक चट्टान का जो किनारा था उस पर बैठा हुआ था, तो आपका ऑन हिज लेज आएगा, इसमें ये क्या है अभी इसका आंसर है, स्थान का नाम है, कोई कहाँ बैठा हुआ था वो, द
इसमें क्या है, अभी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, अभी वोज। यंग सिंगल क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। वेयर वोज द यंग सीगल, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। वेयर वॉज द यंग सीगल, यंग सीगल कहां पर था, अब उत्तर होगा ऑन इज लेज। आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो, वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहां पर है, तो आपका गांव का नाम आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या से प्रश्न बनेगा, व्हाट मन क्या होता है, क्या कोई वस्तु के बारे में आपको पूछा गया है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने चेक किया मैप को और कंपास को। आपने क्या चेक किया, आपने क्या चेक किया, क्या परीक्षण किया आपने, तो अब उत्तर हो जाएगा द मैप एंड द कंपास। इसको छोड़ना है आपको, यहां पर देखो अभी आई है सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब कौन सी है, अभी चेक्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अभी सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी भी डिड आएगी। अब यहाँ पर कर्ता देखो भी आई है, इसमें क्या लिखा होगा, आई जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अभी यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रश्न कैसे पूछोगे आप, कि आपने या तुमने क्या चेक किया, तुमने क्या चेक किया, फिर आप उत्तर क्या दोगे, मैंने मैप कंपास चेक किया, फिर आप कहोगे मैंने। प्रश्न पूछूंगा तो यू के पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा तो यू आएगा, यहाँ पर क्या भी व्हाट डिड यू, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी बच्चों, चेक, क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी चेक। डू डज डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना, अगर यहाँ पर कर्ता आई हो या वी हो, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करोगे भी, यू करोगे, क्या करोगे भी, यू करोगे। अगला क्वेश्चन बना है वाई से, किसे बना है अभी, वाई, क्यों, तो क्यों का बना हुआ था, वही रीजन पूछा गया आपसे, कारण पूछा गया है। तो इसमें याद रखना, कोई भी सेंटेंस हो उसमें टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए आपको, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या आपको बिकॉज मिल जाए या कॉज मिल जाए, इनके बाद वाला जो होगा ना अबाउट मिल जाए आपको, इनके बाद वाला जो होगा वो उसका आंसर होगा। द पायलट वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, पायलट दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश था। प्रश्न क्या पूछोगे भी आप, पायलट क्यों खुश था, पायलट क्यों खुश था, क्यों खुश था भी, टू सी अनदर पर्सन, ये आपका उत्तर हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को देखकर। इसको छोड़ना है अपने को, इसमें सब्जेक्ट है, ये क्या है भी, वर्ब है, मेन वर्ब ये है वेरी ग्लेड। अब यहाँ पर वाई वोज लगाओ, पहले क्रिया आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, द पायलट वाई वॉज द पायलट वेरी ग्लेड, इतना ज्यादा खुश क्यों था, तो आपका उत्तर हो जाएगा खुशी द अनदर पर्सन। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने नए हैं तो हमारा ये चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं या 9th से 12th का ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है JR क्लासेज, उसे आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स खरीदेंगे, तो आपको ये जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है इनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी 10th क्लास के लिए। अब देखिए भी वैन से क्वेश्चन बना है, वैन का मतलब होता है कब, टाइम पूछा गया है, इसके उत्तर में जो टाइम दिया हुआ है वही आपका छोड़ना है आपको। एन ए वॉज बॉर्न ऑन 12th June 1929, एन ए है उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, ये आपका उत्तर हो जाएगा कि एन ए का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वॉज दी हुई है, वॉज आ जाएगी, और यहाँ पर करता क्या अभी, एन ए कोई लड़की का नाम है, वैन वॉज एन ए सब्जेक्ट, वर्ब क्या अभी, बॉर्न, कब पैदा हुई थी, आपका उत्तर हो जाएगा ऑन 12 जून 1929।
ये तो थे कुछ क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब यहां पर देखेंगे भी क्वेश्चन टैग सीखेंगे हम। एड क्वेश्चन टैग टू द सम स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब देखिए भी आपको क्वेश्चन टैग लगाने हैं। यू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहां पर क्या है भी, मेन आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और कर्ता को चेक करना है। आप यहां पर क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा प्रनाउन का यूज करेंगे। अब यहां पर कर्ता ही प्रनाउन दिया हुआ है, वर्ब क्या है भी, गो दी हुई है, गो दी हुई है, तो आप हेल्पिंग वर्ब। अब याद रखना, अगर यहां पर नोट दिया हुआ है तो आप यहां पर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर यहां पर नोट नहीं दिया हुआ तो आप यहां पर नोट का प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना। यहां पर नोट नहीं है, वाक्य नेगेटिव नहीं है, तो आपको यहां पर नेगेटिव बनाना है। अब आप बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे भी, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करोगे। अब यहां पर नोट नहीं है तो आप यहां डू नॉट प्रयोग करो, वरना आप डज नॉट का प्रयोग कर लेते, वो ओनली डू का प्रयोग करते। अब यहां कर्ता भी है क्या, अभी यू प्लूरल है तो आप यहां क्या करोगे भी, डोंट, कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म लिखोगे आप डू नॉट की। ये डू नॉट है ना, इसकी जो कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म होती है, संक्षिप्त फॉर्म होती है, डोंट, डोंट यू। यू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, इसका डोंट यू, क्या तुम नहीं गए थे, इस प्रकार आएगा। उसी प्रकार आई एम काइंड एनफ, इनफ। यहां पर क्या वाक्य क्या भी, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो आपको यहां पर नेगेटिव बनेगा। अब यहां याद रखना कर्ता क्या है इसमें, आई प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब क्या भी, एम है। एम का क्वेश्चन टैग में क्या होता है अभी, आरंट, क्या होता है अभी, ए आर ई एन, एम्ट नहीं होता, आरंट होता है, आरंट आई आएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम एस प्रकार नहीं लिखेंगे आप, यहां पर आर लिखेंगे, आरंट, आरंट, आर लिखो, एन लगाओ और एपोस्ट्रोफ पे लगाओ, टी, आरंट आई, आई के साथ में प्लूरल का प्रयोग हो गया, ये मोस्ट है, ये कई बार आया हुआ है। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अब यहां पर क्या अभी, नेवर कभी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहां पर अगली बार नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब कोई आई है क्या, टेल आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो आई के साथ में क्या लगाओ अभी, डू आई, डू आई। इट इज सनी टूडे, आज क्या है अभी, दिन क्या है अभी, गर्म है या चमकीला है, तो आप यहाँ क्या करोगे अभी, हेल्पिंग वर्ब क्या अभी, इज है, वाक्य क्या अभी, पॉजिटिव है, तो आप इजंट करोगे, क्या करोगे अभी, इजंट इट आएगा, इजंट इट आएगा। उसी प्रकार वी हैव लर्न्ड अवर लेसन, ये वाक्य पहले से देखो नेगेटिव है, एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव है, नोट का प्रयोग नहीं हुआ या नोट से संबंधित कोई वर्ड नहीं आया। अब यहां पर क्या करो अभी, हेवंट, हेव लिखो, एन लिखो, एपोस्ट्रोफ लगाओ, हेवंट वी, इस प्रकार आप क्वेश्चन टेक कर सकते हो। धन्यवाद, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना।